दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 6 सीक्रेट्स की। अगर आप इनको फॉलो करेंगे ठीक से अपनी फोटोग्राफी में तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे आपकी फोटोज एकदम परफेक्ट। सो आज का वीडियो जो है सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपके साथ या सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे आपकी फोटोग्राफी में जो काफ़ी सारा चेंज आने लगेगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों वो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। चलिए पहले मिल लेते हैं आज हमारे मॉडल से, ताकि उनका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर जो है बात करते हैं आज के वीडियो की। सो प्लीज़ कम ओवर हियर। या सो हाय गाइस, दिस इज़ रे परिहार, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिए। तो जैसे कि मनीष सर ने कहा कि आज बहुत सारे सीक्रेट्स आप रिवील करने जा रहे हैं फोटोग्राफी के बारे में। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड फोटोज़ को भी लाइक कीजिए। तो मनीष सर आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अक्सर बिगनर फोटोग्राफर्स कहते हैं कि सर हम फोटोग्राफी करते वक्त अपने एक्सपोजर ट्रायंगल का और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो हमारी परफेक्ट नहीं आती हैं। तो आज दोस्तों मैं आप सभी बिगनर फोटोग्राफर से यही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम सीक्रेट कह सकते हैं अच्छा खासा, वो है पे अटेंशन टू योर सब्जेक्ट। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना है शूट करने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज का हमारा सब्जेक्ट है रे, और रे का आज हम करेंगे एक मॉडलिंग फ़ोटोशूट। तो अगर आप एक मॉडलिंग फ़ोटोशूट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ हो गई कि भाई मॉडल ने जो है किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्लोथिंग कैसा है, एक्सेसरीज़ कैसी यूज़ कर रहे हैं, और उसको मॉडल कैसे यूज़ करता है अपने फ़ोटोशूट में। तो पहली जो सीक्रेट है वो ये है पे अटेंशन टू योर सब्जेक्ट। तो आज आप देख रहे हैं कि हमने रे को एक अच्छा सा कैजुअल शर्ट दिया है, नीचे जो है दिए है वाइट कलर की ट्राउज़र, जिससे थोड़ा सा उनका ये कलर जो है दोनों डिफरेंट कलर हों तो पिक्चर्स में अच्छा लगेगा। और नीचे आप देख पा रहे हैं हमने उन्हें पहनाए हैं ब्लैक शूज़, और यहाँ पर एक जस्ट पुट ऑन योर गॉगल्स, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने फैंसी गॉगल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका एक लुक नज़र आए। तो पहली चीज़ जो है हमने वो हमने पार कर ली, यानी कि हमने जो अपना सब्जेक्ट है उसको हमने ठीक से सजाया है, यानी कि उस पर अच्छे से ध्यान दिया है कि भाई अब हमारा ये तो हमारा मॉडल है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब जो दोस्तों मेरा आज का दूसरा सीक्रेट रहेगा वो ये रहेगा, ऑलवेज़ यूज़ राइट लेंस अकॉर्डिंग टू योर फोटोशूट। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम कर रहे हैं एक मॉडल का एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो, तो इस तरह के पोर्टफोलियो के अंदर आपको एक ऐसे लेंस की ज़रूरत होती है जिस जो मल्टीपर्पज़ हो, यानी कि आप उससे हर तरह के पिक्चर्स निकाल सकें, फिर चाहे वो हेडशॉट हो या पोर्ट्रेट हो या फुल लेंथ पिक्चर हो, या आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, या आपको डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी दिखानी हो, बोके दिखाना हो आपको, यानी कि अगर आपको एक ऐसे लेंस की ज़रूरत पड़ रही है इस तरह के शूट में तो वो लेंस आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज इस शूट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा 85mm का 1.4G लेंस। तो मेरे हिसाब से इस शूट के लिए ये बिल्कुल एप्ट रहेगा, इससे मैं इनके हेडशॉट निकाल पाऊँगा जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, 3/4 निकाल पाऊँगा, पोर्ट्रेट निकाल पाऊँगा, थोड़ा ब्लर बैकग्राउंड के साथ निकाल पाऊँगा। सो कहने का मतलब ये है कि आई एम यूजिंग राइट लेंस फॉर दिस काइंड ऑफ फोटोशूट। अब दोस्तों मेरा आज का जो तीसरा सीक्रेट है वो रहेगा यूज़ राइट लोकेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक बिल्कुल एक हमने एक बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है मुंबई के अंदर, हम इसे एक खंडर भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम शूट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि उसके जो क्लोथिंग है और उसके जो कलर्स हैं और ये जो इसकी जो रगेडनेस है इस जगह की, ये जो है काफ़ी अच्छे से नज़र आएगी पिक्चर में। सो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई लोकेशन जो है वो हमें राइट यूज़ करनी है, फिर चाहे आप प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफी कर रहे हों, या आप कोई पोर्ट्रेट ले रहे हों, या आप किसी और तरह का शूट कर रहे हों, ई कॉमर्स का काम कर रहे हों, या कोई कैटलॉग शूट कर रहे हैं, ध्यान आपको इस बात का रखना है कि लोकेशन जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अब जो मेरा दोस्तों आज का चौथा सीक्रेट है वो ये रहेगा कि यूज़ योर अवेलेबल लाइट इन योर फेवर। जहाँ भी हम शूट कर रहे हैं, जिस लोकेशन पर भी शूट कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी लाइट अवेलेबल है वो हमें जो है उसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं कहूँगा तो बहुत बुरी भी नहीं है, लाइट काफ़ी फ़िल्टर होके इस जो है इस खंडर में आ रही है, जिससे मुझे जो लाइट है उतनी मिल रही जितनी लाइट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक नेचुरल लाइट में ये फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट लाइट, और यहाँ पर मैं किसी भी तरह का स्ट्रोब्स या किसी भी तरह का फ्लैश या कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भी लाइट है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी आप जब मैं फोटो शूट करूँगा तो आप देख पाएंगे कि इस लाइटिंग कंडीशन में पिक्चर्स हमें फाइनली कैसी मिल रही हैं, बिल्कुल प्योर नेचुरल लाइट में विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइट सोर्स। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट जो है वो रहेगा हमारा आज का पांचवा सीक्रेट कि वर्क ऑन योर पोजेज। अब यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि रे आज हमारा सब्जेक्ट है, तो अगर हम इसके हमने सारी बातों का ध्यान रख लिया, यानी कि हमने लाइटिंग को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जो है राइट लेंस चूज़ कर लिया, राइट कॉस्ट्यूम्स हमने यूज़ कर लिए हैं, कहने का मतलब है कि हमने सब चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन अगर हम राइट पोजिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो हो जाएगी काफ़ी सारी प्रॉब्लम। कई बार अक्सर बिगनर फोटोग्राफर्स यही गलती करते हैं कि सब कुछ अच्छा यूज़ करते हैं लेकिन मॉडल की बॉडी लैंग्वेज पे वो किस तरह से पोज कर रहा है वहाँ पर ध्यान नहीं देते। तो ये एक अच्छा खासा सीक्रेट है, सब जानते हैं बट तो भी मैं इसे सीक्रेट बोल रहा हूँ क्योंकि जाने अनजाने के अंदर जब हम शूट करते हैं तो इन बातों को भूल जाते हैं कि भाई मॉडल कैसे खड़ा है, पोज कैसे कर रहा है, बैठा कैसे है, हैंड्स को कैसे यूज़ कर रहा है, अपनी नेक को कैसे यूज़ कर रहा है, लिप मूवमेंट, आई मूवमेंट उसका कैसे है और किस पोजीशन में वो बैठा है या खड़ा है। तो आपको हमेशा जो है पोजिंग के ऊपर हमेशा वर्क करना पड़ेगा, जितने अच्छे पोजिंग होगी उतनी अच्छी पिक्चर्स जो है फाइनली निकल के आएंगी। तो चलिए अब मैं शूट शुरू करता हूँ और आखिरी सीक्रेट की जो है बातें मैं करूँगा शूट होने के बाद। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सारे अपने पाँचों सीक्रेट्स जो हैं अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि हमें क्या परफेक्ट पिक्चर्स मिल रही है या नहीं। तो चलिए शूट शुरू करें। ओके अब दोस्तों शूट शुरू करने से पहले मैं जो है ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इस तरह से एक लकड़ी का यहाँ पर ये एक पिलर टाइप सा लगा हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम इसके ऊपर मॉडल को बैठाएंगे और पीछे का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर उसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ब्लर आए वो, क्योंकि यही मज़ा है लोकेशन का। और अगर वो ब्लर आएगा तो मैं शूट कर रहा हूँ अपने अपर्चर को वाइड ओपन खोल रहा हूँ, तो मैं 1.8 पे शूट करूँगा यहाँ पे और शटर स्पीड मैंने रखी अपनी 640 एंड ISO है मेरा 100। आप एक बार यहाँ बैठिए। तो अब जो है हमने अपने सारे जो भी हमारी तैयारी थी हमने सारी कर ली है, वो 6 के 6 पॉइंट जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए वो सब मैं फॉलो कर रहा हूँ और देखेंगे पिक्चर्स हमें ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा पोजिंग पे भी हम ध्यान दें। या वेरी नाइस, थोड़ा सा पकड़ के, यस यस बी कम्फर्टेबल। तो देखते हैं पोर्ट्रेट ये कैसा मिलता है हमको। और रे जो है एकदम रेडी है, अभी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल प्लेस है, काफ़ी सारा जो है यहाँ पर शूट करने के लिए मुश्किल हो रही है, बट दैट्स ओके। ये रे थोड़ा सा एक बार रेज योर ग्लास, हाँ लुक देयर, यस यस वन मोर चिन अप दिस वे, यस वन मोर थोड़ा सा, यस वेरी नाइस होल्ड इट, थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये कुछ पिक्चर्स देखे आपने, मैंने लिए अभी स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर की पिक्चर्स जो हैं हमें काफ़ी अच्छे मिल गए हैं, जिस तरह की हमने लोकेशन चूज़ की है और जो लाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है वो सीधी लाइट ऊपर से आ रही है जैसे सनलाइट और थोड़ी फिल्टर होकर टकरा के बाउंस होकर जो है इनके फेस पर आ रही है, सो काफ़ी अच्छी लाइट मिली है। मैंने जो अपर्चर अपना वाइड ओपन रखा था तो काफ़ी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिली पीछे। अब यहाँ पर हम लेंगे कुछ इनका लैंडस्केप मोड में एक पोर्ट्रेट ताकि थोड़ा सा वॉल को हम अच्छे से दिखा पाएँ पोजिंग के साथ, और एक पिक्चर लेंगे इनका फुल लेंथ ताकि वो पोज पे भी जो है हमें थोड़ी पिक्चर्स अच्छी मिले। तो आप कैमरा सेटिंग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा नीचे बैठता हूँ लेता हूँ पिक्चर, यस वेरी नाइस, हाँ होल्ड इट, यस लुक हियर लुक हियर वन मोर ब्यूटिफुल, लेट मी टेक वन फुल लेंथ, हाँ एक थोड़ा पैर आगे रखे, हाँ थोड़ा सा, हाँ ये, हाँ थोड़ा आगे आ जाओ खड़े होके सीधा, येस लाइक दिस, येस वेरी नाइस होल्ड इट वेरी नाइस टेकिंग, या हाँ थोड़ा नीचे लुक डाउन, येस एक लुक, यस लुक देयर देयर दिस वे, येस होल्ड इट, येस थोड़ा आप लुक अप ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपने देखे कुछ पिक्चर्स लिए हमने यहाँ पे और पिक्चर्स हमको काफ़ी अच्छे मिले। आप देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने आपके साथ सीक्रेट्स या टिप्स शेयर किए हैं आज, तो हम उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके सामने ही ताकि आप देख पाएँ कि भाई ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं
फोटोशूट के अंदर, और इसके बाद मैं कुछ 3-4 पिक्चर और लेता हूँ इनकी, फिर वीडियो को करेंगे वाइंड अप, और फिर मैं बात करूँगा आखिरी सीक्रेट की, ताकि उसे भी आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने राइट लेंस चूज़ किया और एक ही 85mm लेंस के साथ हमने इनके पोर्ट्रेट्स भी लिए, कुछ फुल लेंथ लिए, कुछ लैंडस्केप में अच्छे पिक्चर्स लिए। अब आखिर में जो है मैं कोशिश करूँगा कि इस लेंस का पूरा यूज़ करूँ और ब्लर बैकग्राउंड के साथ मैं कुछ हेडशॉट लेता हूँ इनके, ताकि बैकग्राउंड को मैं अच्छे से ब्लर कर सकूँ, ताकि अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड जो अच्छे से क्रिएट हो, और इनका जो फेस है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आए शूट के अंदर। सो थोड़ा सा लीन करेंगे वॉल पे, हाँ लाइक दिस, वेरी नाइस। एंड हाँ, एक लुक आपको ऐसा रखना है थोड़ा ऊपर, 1 and 2 and then 3 लुक डाउन, येस। सो पोजिंग के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई नेक को कैसे यूज़ करें, स्पेशली जब हम हेडशॉट्स ले रहे हैं, और उनकी मूवमेंट कैसे रखनी है फेस की, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो लेते हैं पिक्चर, येस वेरी नाइस, होल्ड इट। आइज़ पे जो है मैंने फोकस किया है, आइज़ पे हमेशा रखिए फोकस, ब्यूटीफुल, यस वन मोर, हाँ होल्ड इट, ब्यूटीफुल। एक प्योर हेडशॉट लेंगे, हाँ थोड़ा सा सीधा खड़ा होइए, हाँ हाँ जस्ट लाइक दिस, यस ब्यूटीफुल टेकिंग, हाँ एक लुक सीधा, यस 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 लाइक दिस, यस थोड़ा सा लो एंगल पे ले रहा हूँ मैं, कोशिश करता हूँ पीछे कुछ अच्छा सा बोके मिले, क्योंकि लाइट जो है पीछे से अच्छे से फिल्टर होके जो पेड़ की पत्तियाँ हैं वहाँ से अच्छे से आ रही है, तो देखते हैं कि बोके मिलता है कि नहीं, कोशिश करूँगा मैं। सो बहुत हल्का सा मिला है, थोड़ा सा बर्न आया है पीछे से, लेकिन मिला है थोड़ा थोड़ा बोके। मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ, एक लास्ट पिक्चर और लेता हूँ मैं, यस हाँ या थोड़ा सा फेस डाउन, यस वेरी नाइस। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कोशिश तो की है मैंने, हल्का सा बोके आया है। सो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप देख पाएँ कि भाई राइट लेंस हमको चूज़ करना है, राइट लोकेशन यूज़ करनी है, राइट जो है लाइट को अपने तरीके से फेवर में करना है सही तरीके से, और मॉडल के पोजिंग पर हमको अच्छे से काम करना है जिससे कि मॉडल जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आपके शूट के अंदर आती हैं तो आपको हमेशा पिक्चर्स जो हैं वो परफेक्ट मिलेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शूट एकदम परफेक्ट था, इसमें भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं, बट दैट्स हाउ वी लर्न फोटोग्राफी एंड दैट्स हाउ वी शुड वर्क ऑन आवर फोटोशूट। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब बात करते हैं दोस्तों आज की लास्ट सीक्रेट की, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, वो है दोस्तों आपका पोस्ट प्रोसेसिंग की। आप जो भी रॉ इमेजेस आप शूट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी रॉ पे शूट कर रहा हूँ, उसके बाद आप उसको पोस्ट प्रोसेस कैसे कर रहे हो, तो जितनी भी इमेजेस अभी आपने देखी है इस फोटोशूट में जब मैं क्लिक कर रहा था, वो सारी इमेजेस जो है मैंने आपको पोस्ट वाली दिखाई, यानी कि पोस्ट में एडिटिंग करके। और उसके लिए दोस्तों मैंने यूज़ किया है अपने कुछ लाइट रूम के प्रीसेट्स और फोटोशॉप के एक्शंस। हालांकि कंप्लीट एडिटिंग नहीं है वो, क्योंकि वीडियो आज ही शूट किया, आज ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। और अगर आपको जानना है कि वो लाइट रूम के प्रीसेट्स और फोटोशॉप के एक्शंस कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हमारा एक पूरा स्टोर है, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से भी आप उनको ले सकते हैं, उन प्रीसेट्स को, लाइट रूम के और फोटोशॉप के एक्शंस। तो आखिरी जो मेरी टिप रहेगी वो है आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। जितना इंपॉर्टेंट आपका शूट है उसके बाद, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क है। जब आप अपनी रॉ इमेज को प्रोसेस करते हैं सही तरीके से, चाहे वो लाइट रूम हो, चाहे कैप्चर वन प्रो हो वहाँ पर, और फिर जब आप एडिटिंग करते हैं तो आप एक अच्छे एडिटर को या खुद एडिटिंग करते हैं, तो आप एडिटिंग में भी उन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए जो आपको करेक्ट करनी है। तो अगर आप ये 6 के 6 टिप्स या 6 सीक्रेट्स आप अच्छे से फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है एकदम प्रोफेशनल निकल के आएगी, बहुत ही खूबसूरत, क्रिस्टल क्लियर, और एक क्वालिटी के साथ जो है आप अपना काम को अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे और रे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।